हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुकिंग इंडिया में। आज हम बनाएंगे श्राद्ध के लिए थाली, जो कि पितृ पक्ष भी कहते हैं। तो सब पितरों के लिए खाना निकाला जाता है, तो उसके लिए हम खाना बना के रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 2 कप राजमा ले लेंगे। राजमा को साफ पानी में वॉश करके और इन्हें भिगो कर रख देंगे रात भर के लिए। तो देखिए, राजमा हमारे अच्छे से भीग चुके हैं और इनका कलर भी निकल गया है। तो अब इन्हें हम वॉश कर लेंगे साफ़ पानी से, और इन्हें वॉश कर लें और इनमें हम फिर कुकर में डाल लेंगे, उबलने के लिए रख देंगे। तो इन्हें हम कुकर में निकाल लेंगे एक में, और इन्हें हम उबलने रख देंगे हम इसमें 5 से 7 सीटी आने तक, और इन्हें अच्छे से गला लेंगे। ध्यान रखेंगे कि राजमा अच्छे से गल जाए, तभी हम कुकर को खोलेंगे। तो राजमा हमने डाल ली हैं, अब इसमें हम साफ़ पानी डालेंगे 5 से 6 कप। तो पानी इतना ही डालें ताकि राजमा अच्छे से गल जाए, और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। तो नमक हमने डाल दिया है, अब इसका हम ढक्कन लगा के इसे रख देंगे गैस पर, और इसे अच्छे से उबलने देंगे। इसका ढक्कन अच्छे से लगा दें और इसमें सीटी आने दें, 5 से 7 सीटी आने दें, तब तक ये अच्छे से गल जाएगा। तो ये हमने 1/2 कप चावल ले लिए हैं खीर बनाने के लिए, और इसे अच्छे साफ़ पानी में वॉश करके इसे 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है, और इन्हें वॉश करके एक भगोने में निकाल लेंगे एक बर्तन में, जिसमें हम खीर बनाएंगे। तो अब जिसमें भी खीर बना रहे हैं उसमें चावलों को डाल लें साफ़ करके और धो के। तो इसमें हम अब पानी डाल लेंगे। तो ये हमने 2 से 3 कप पानी ले लिया है, ताकि चावल हमारे अच्छे से गल जाएं। दूध हम बाद में ही यूज करेंगे, तो इसे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पे, ताकि ये चावल हमारे अच्छे से पक जाएं। अब हम आटा ले लेंगे 4 कप, और इसमें 1 चम्मच हम अजवाइन ले लेंगे। अजवाइन को क्रश कर लेंगे और फिर डालेंगे, और 1 चम्मच हम और 1 चम्मच 1 से 2 चम्मच हम इसमें नमक ले लेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें। तो हमने 2 चम्मच इसमें नमक डाल लिया है। तो आप जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से अपना नमक डाल सकते हैं। और ये हम 1 चम्मच कसूरी मेथी ले लेंगे। कसूरी मेथी डालने से पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और अजवाइन डालने से पूड़ी नुकसान भी नहीं करती हैं। तो ये चीज़ आप पूड़ी में ज़रूर डालें, और इसे हम गूंद लेंगे। तो हम 4 से 5 कप पानी ले लेंगे, और पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही यूज करेंगे, वरना एक साथ हम पानी डालेंगे तो आटा हमारा पतला भी हो सकता है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके यूज करें, और आटे को हम थोड़ा टाइट ही गूंदेंगे, क्योंकि हम पूड़ी बनाएंगे तो पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट ही गूंदा जाता है। तो आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो ऑयल हम बाद में डालेंगे आटे में, ताकि आटा हमारा अच्छे से पहले गूंद जाए, उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। तो इसे अच्छे से मैश करके, अच्छे से मिक्स करके तब हम इसे गूंदेंगे। तो देखिए, आटा हमारा गूंद चुका है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये 2 चम्मच हम ऑयल डाल लेंगे इसमें, और ऑयल को अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे, ताकि आटे में अच्छा सा हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, आटा हमने थोड़ा टाइट ही गूंदा है, क्योंकि ये आटा थोड़ा पूड़ी का टाइट ही गूंदा जाता है। तो इसे अच्छे से मैश कर लें, तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। तो देखिए, आटा हमारा गूंद के रेडी हो चुका है। तो इसे हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे उठाकर ये, और अब खीर को चेक कर लेंगे चावल हमारे पके हैं या नहीं। तो देखिए, चावल हमारे आधे पक चुके हैं, तो इसे अभी हमें और पकाना है। तो इसे ढककर रख देंगे। और ये हमने आलू ले लिए हैं उबले हुए, और ये हमने 8 आलू लिए हैं, इनको अच्छे से छील लेंगे। तो आप कच्चे आलू भी ले सकते हैं, पर हम ये मसालेदार आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हमने उबले हुए आलू ही लिए हैं। उससे सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। तो देखिए, आलू को सारे को छील लें। आलू हमारे बहुत गर्म हैं, इसलिए गर्म आलू थोड़े ध्यान से छीलें, हाथ ना जले इसे। तो देखिए, आलू हमारे अच्छे से छिल चुके हैं, अब इन्हें हम कट कर लेंगे मीडियम साइज़ में। तो इनके छोटे छोटे पीस आप मीडियम साइज़ में कट कर लें,
तो इस तरीके से हम देखिए आलू इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक आलू के 8 से 10 पीस कट करेंगे। इससे आलू में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो देखिए इस तरीके से हम सारे आलू को कट कर लेंगे। तो अगर सुबह सुबह खाना बनाने के लिए हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो इसलिए आलू को उबाल के ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये हमने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें एक बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, एक चम्मच इसमें हम जीरा डाल लेंगे और ये हमने एक चम्मच मेथी ले ली है साबुत, इसे हम क्रश कर लेंगे। तो इसे हम कूट लेंगे थोड़ा सा और इसमें हमने आलू ऐड कर दिए। इसे हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब ये हम कटी हुई मिर्च डाल देंगे और ग्रेट की हुई अदरक ऐड कर देंगे। अदरक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक चम्मच नमक ले लिया है, आधी चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर ले लिया, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कोरिएंडर पाउडर और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मंदी गैस पर इसे हम कुक करेंगे। तो इसे अच्छे से चलाते रहें ताकि सब्ज़ी हमारे नीचे लगे ना। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम खीर को चेक कर लेंगे। तो खीर हमारी पानी देखिए हमारी खीर में सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध और हमने ये 8 से 10 किशमिश ऐड की है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब हम उबलने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए राजमा को चेक कर लेंगे, राजमा हमारे उबल चुके हैं और इन्हें चेक करेंगे एक बार कि राजमा हमारे पके हैं या नहीं। तो देखिए राजमा हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो इसे हम ढक कर रख देंगे साइड में और इसके लिए हम टमाटर और अदरक और मिर्च कट के रखेंगे। तो प्याज का हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि श्राद्ध में प्याज का यूज नहीं किया जाता है। अगर आप प्याज डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, पर हमने इसमें प्याज का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये अदरक हमने घिस ली है और टमाटर को घिस लेंगे। तो दोनों टमाटर को हम घिस लेंगे। तो हरी मिर्ची को भी कट कर लेंगे और आलू की सब्ज़ी में हमने कोई भी प्याज या टमाटर नहीं डाले हैं, वो हमने मसालेदार चटपटे आलू की सब्ज़ी बना के रेडी की है। तो देखिए मिर्ची को भी हमने 2 से 3 मिर्च कट कर ली है। अब एक हम बर्तन ले लेंगे और इसमें हम एक बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें एक हम 5 से 6 लौंग डालेंगे और 2 से 3 हमने इसमें रेड चिली ले ली है और काली मिर्ची ले ली है और 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता और अब इसमें हम अदरक ऐड कर देंगे कटी हुई। तो अदरक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे घिसे हुए, टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें ग्रीन चिली भी हम ऐड कर देंगे और इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे टमाटर को, ताकि पानी टमाटर में जितना भी पानी है वो अच्छे से जल जाए। तो देखिए टमाटर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टमाटर का पानी अच्छे से जल चुका है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें नमक ले लिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसमें और कोई भी मसाला नहीं डाला है। इसमें 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि मसाले हमारे ऑयल ना छोड़ दें और इसे अच्छे से चलाते रहें ताकि मसाले हमारे जले ना। तो देखिए मसाले ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है अच्छे से। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो राजमा में हमारा सारा पानी जल चुका है तो इसलिए हम पानी ऊपर से ऐड कर लेंगे। तो ये हमने 2 कप पानी ले लिया है, पानी को बॉयल होने देंगे। तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसमें हम राजमा को ऐड करेंगे। तो राजमा को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया था ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए और ये हम इसमें खीर में आधा कप हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है और खीर को अच्छे से हम और पकाएंगे। खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए राजमा हमारे बनके रेडी हो चुके हैं और गैस को ऑफ कर देंगे और खीर भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, इसे भी चेक कर लेंगे। तो देखिए खीर हमारी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं।
पर हम जल्दबाजी में बना रहे हैं, तो हमने ये सिर्फ इतने ही किशमिश और चीनी और चावल ही दूध ऐड किया है। तो कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने रख दिया है, पूड़ियों को बना लेंगे। तो पूड़ियों को हम पहले बेल के रख लेंगे एक साइड में, और पूड़ी को अब हम सेक लेंगे। तो इस तरीके से सारी पूड़ियों को सेक लें। तो इसे दबा दबा के हम पूड़ी को नीचे को दबाएंगे तो हमारी सारी पूड़ी अच्छे से फूल जाती हैं। तो पूड़ी को अच्छे से फूलने के लिए थोड़ा सा नीचे को प्रेस करें पूड़ी को, और अच्छे से फूल जाती हैं। अब हम सब्जी को एक चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम सर्व कर लेंगे। तो पहले हम राजमा सर्व करेंगे। तो इसमें हमने कोई भी मसाले या फिर प्याज लहसुन हमने इसमें ऐड नहीं किए हैं सब्जी में। अब हमने सूखी आलू की सब्जी ले लेंगे। तो ये हम थाली बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए हमने दोनों चीज़ सर्व कर ली हैं, सब्जी दोनों सब्जी हमने सर्व कर ली है। अब खीर को भी हम सर्व कर लेंगे। तो आपको जो जो चीज़ पसंद है या फिर आप जो जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो चीज़ बना लें। और ये हमने पूड़ी को भी सर्व कर लिया है, और इसमें हम एक कप रायता ले लेंगे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक